आपने दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर अभी तक देखा होगा, जिसे भारत के सबसे बड़े मेले के रूप में देखा जाता है। लेकिन कभी आपने उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में सुना था? दरअसल आज से ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन शुरू हुआ है, जिसका शुभारंभ किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और इसे सीएम योगी आदित्यनाथ का सुपरहिट ट्रेड शो बताया उन्होंने। दरअसल ट्रेड शो में 60 देशों के 400 से ज्यादा बायर्स हिस्सा ले रहे हैं, और इससे ODOP और स्टार्टअप के लिए वैश्विक मंच मिलने वाला है। छोटे उद्यमियों, महिला उद्यमियों के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। वहीं सॉफ्टवेयर और यूपी में निवेश पर विशेष सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के शिल्प व्यंजन और संस्कृति का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, और इंटरनेशनल ट्रेड शो से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि योगी की नीति से कैसे इंटरनेशनल क्रांति होने वाली है। व्यापार का महामेला लगा है, दुनिया में यूपी की प्रोडक्ट का डंका बज रहा है और स्टार्टअप को नई राह मिल रही है, जिसका आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और अंजाम तक मुख्यमंत्री योगी पहुंचा रहे हैं। दरअसल 5 दिनों के व्यापार मेले में 2000 से ज्यादा कंपनी और 300 ब्रांड भाग ले रहे हैं, और सरकार को उम्मीद है कि मेले में 60 देशों समेत करीब 2 से 2.5 लाख लोग पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश को इस अवसर पर जानने, उसकी क्षमता को नजदीक से महसूस करने, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि और समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को जानने का भी एक अवसर आप सभी को प्राप्त होगा। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये उत्तर प्रदेश का पहला ट्रेड शो है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 साल में एक बीमारू राज्य से उभर कर आज देश की अर्थव्यवस्था के एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है, और उसको प्रदर्शन करने का अवसर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो हमारे सामने है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसने अपनी पोटेंशियल को पहचाना है। देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं, बल्कि देश के अंदर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में भी उत्तर प्रदेश देश के लिए मौजूद है, और उपभोक्ता बाजार के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे श्रम बाजार के रूप में भी आज अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा करके, यहां के स्केल को स्किल में बदल करके, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ आयोजित प्रदर्शनी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए आयोजन ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के विकास को निरंतर ऊर्जा तथा दिशा प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं, और यूपी के प्रोडक्ट्स को वैश्विक मंच मिल रहा है। दरअसल यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन और ऊर्जा ODOP जैसे सेक्टरों के उद्यमियों के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराया गया है। पूरी दुनिया से आ रहे ये बायर्स यूपी के प्रोडक्ट्स को देखेंगे और इन्हें वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए मंच उपलब्ध कराएंगे। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के उद्यमी अपने उत्पादों की वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकेंगे। ऐसे में इन बायर्स को प्रदेश के उत्पादों के साथ ही यहाँ की संस्कृति और संस्कारों के भी दर्शन कराए जाएंगे। यानी ये मौका नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जैकपॉट है, क्योंकि पहचान के साथ ही उन्हें वो मंच मिल रहा है जिस पर दुनिया भर की नजर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो, या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं, और इसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।